इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग न्यूज की इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। अलवर में बदमाशों ने दुकानदार से लूटे 50,000, पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। भरतपुर के वैर में चोरों ने दो घरों को बनाया चोरी का निशाना, 25,000 की नकदी सहित 2,00,000 रुपए के जेवरात ले उड़े। और जैतारण में मादक पदार्थों का धंधा करने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। और अब खबरें विस्तार से। पाली जिले के गौरव और तपोभूमि काजलवास, जो उपखंड से 25 किलोमीटर दूर है और अरावली की तलहटी में बसा है, एक ऐसा स्थल जहां आगामी 26 और 27 जुलाई को विशाल भजन संध्या और भक्ति का आयोजन होगा। काजलवास व्यवस्थापक भगत सिंह ने बताया कि इस आयोजन में देश प्रदेश से 40,000 तक श्रद्धालु और भक्तगण यहां एकत्रित होंगे और इन सब के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। धुंधला धौरमनाथ जी की ये पवित्र तपोभूमि समूचे भारत वर्ष में एकमात्र तपोभूमि है, ऐसा चमत्कारी स्थल जहां आज भी सैकड़ों साधु संत तप में लगे हैं। नाथों की इस तपोभूमि के विशेष महोत्सव के लिए पूरे मारवाड़ उपखंड में ग्रामीण लगे हुए हैं। चमत्कार आस्था की इस भूमि पर 11 जीवित समाधियां अतीत और भक्ति तप का ध्यान आकर्षित करती हैं। आज भी सैकड़ों ग्रामीण इस आस्था के सैलाब पर आकर नमन करते हैं। आगामी 26 और 27 जुलाई को इस तपोभूमि पर समूचे देश प्रदेश से ग्रामीण पहुंचेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 26 और 27 तारीख को पिछले वर्ष की भांति अब की बार भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का जो काजलवास में आयोजन रखा गया है, जिसमें यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं आसपास के क्षेत्र के सारे लोग बड़े उत्साहित हैं और सारे लोग निस्वार्थ भाव से और अपना सहयोग देने के लिए आकर्षित है और सब वहाँ आकर रास्ता सही करवाना, वहाँ की टेंट की व्यवस्था करनी, भोजन की व्यवस्था करनी, समाधियों में साफ सफाई करना, तो सारी तैयारियों में जोरों पर चल रही है और बहुत ही भव्य आयोजन होगा जैसा मुझे लग रहा है। और देश विदेश का हज़ारों की तादाद में लोग, नहीं कि इस क्षेत्र से केवल मारवाड़ के क्षेत्र से नहीं, बीकानेर, बेंगलोर, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और सूरत, अहमदाबाद, कोटा, वहाँ से बसें भर भर के और लोग ट्रेनों के टिकट करवा रहे हैं, कोई एरोप्लेन से। तो मुझे ऐसे जानकारी मिल रही है कि सारे लोग 25 तारीख तक शाम तक सारे लोग यहाँ पधार जाएंगे। उन लोगों के रहने की, खाने की और उन लोगों की व्यवस्था के लिए हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं और यहाँ के सारे लोगों का सहयोग मुझे बहुत सामने से मिल रहा है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का छोटा सा जिला, जिसे अब तक केवल चंबल के बीड़ों और बलुआ पत्थर के खदानों के लिए ही जाना जाता है, अब भारत के गाँव के लिए विकास का मॉडल देने वाला जिला बन चुका है। धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड की उप तहसील कंचनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत धनौरा के छोटे से गांव धनौरा ने पिछले 4 वर्षों में ही विकास की एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दुनिया भर में अनुपम मॉडल साबित होगा। सोमवार 16 जुलाई को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित यूथ फॉर डेवलपमेंट Y4D फाउंडेशन के न्यू इंडिया कॉन्क्लेव प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट विलेज धनौरा को आदर्श ग्राम सम्मान का खिताब देकर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया और कार्यक्रम में वक्ता के रूप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मेघालय के गृह मंत्री संगमा रमन मैक्सा से विजेता डॉक्टर प्रकाश आमटे, इको नीड्स फाउंडेशन के प्रोफेसर प्रियानंद आगले और देश के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। ग्रामीण भारत और युवाओं पर केंद्रित इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास और इससे जुड़े कई अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले युवा प्रतिभागियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। वैर कस्बा स्थित कोटा पट्टी नयाबास के वार्ड नंबर 6 और 7 में चोरों ने अलग अलग 2 घरों में चोरी का निशाना बनाया, जिसमें 25,000 की नकदी सहित 20,00,000 रुपए के जेवरात और अन्य सामान को चोर ले उड़े।
इसकी जानकारी पीड़ितों को सुबह जागने पर हुई। पीड़ितों ने पुलिस थाना वैर को सूचना दी। जब थाना प्रभारी सुखबीर सिंह शेखावत मई जाप्ता मौके पर पहुंचकर दोनों घटना स्थलों का मुआयना कर लिया और सीसीटीवी से कैमरे की चोरी होने के दरमियान फुटेज कैमरे से खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान आनंद भारती विद्यापीठ हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। हिंदी इंग्लिश मीडियम कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक। एडमिशन ओपन आनंद भारती विद्यापीठ भूडा गेट डी भरतपुर। मोबाइल नंबर 9460109393, 9414210993। चमन माध्यमिक विद्यालय सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक रमनलाल शर्मा और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग उपलब्ध। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। मोबाइल नंबर 9461623422। गांधी विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कचहरी पंचायत समिति रोड बयाना भरतपुर। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर हर वर्ष 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण संतुष्टि। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक एच सी सैनी, व्यवस्थापक महेश चंद। प्रवेश प्रारंभ LKG से 10वीं तक के लिए। संपर्क सूत्र 9166862744, 9462376051। माँ सरस्वती आदर्श विद्या मंदिर भूटा गेट डी भरतपुर राजस्थान। देसी खाना, विदेशी खाना, चटपट खाना, झटपट खाना, घर का खाना, बाजार का खाना, थाली का खाना, सड़क का खाना, छोटा खाना, बड़ा खाना, खाना पीना, ऐसा खाना, वैसा खाना, बस खाते ही जाना, खाना खा जाना, यम्मी खाना, टम्मी खाना। जी हाँ, सत्यमेव लाए हैं अपने दर्शकों के लिए खास कार्यक्रम किचन करामात। दुनिया भर की स्वादिष्ट रेसिपीज को अब बनाइए चुटकियों में। हमारे साथ देखिए किचन करामात और सीखिए हुनर रसोई का। हर रोज देखिए एक नई विधि, एक नई रेसिपी की, सिर्फ किचन करामात में। अगर आप में है टैलेंट सिंगिंग का, डांसिंग का या हो कोई अनोखा टैलेंट, तो उठाइए अपना फोन, कीजिए रिकॉर्ड और भेजिए हमें आपके स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
टीम राजस्थान संगठन के न्योते पर राजस्थान के दो दिवसीय दौरे के दौरान बड़गांव गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी अल प्रवास दौरे पर बूंदी आए। एक निजी रिपोर्ट में पत्रकार वार्ता में बोलते हुए विधायक मेवाणी ने कहा कि दलित और अल्पसंख्यकों के साथ इस देश में दुर्व्यवहार हो रहा है। जाति बंधन की राजनीति ने देश का अहित किया है। जाति और धर्म की राजनीति बंद हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेंद्र कछवा, जिला और सेशन न्यायाधीश बालोत्रा के मार्गदर्शन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव आरती महेश्वरी के निर्देश में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संख्या 5 नेहरू कॉलोनी बालोत्रा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पैनल अधिवक्ता छत्र करण सेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में विस्तृत जानकारी दी और अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर विश्व स्तर के अधिकारों के संबंध में बताया। रिटेनर अधिवक्ता गणपत दानचार ने बाल विवाह पीड़ित प्रतिकर स्कीम और मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जोधपुर से कार और पिकअप गाड़ी से ब्यावर की तरफ तेज रफ्तार जा रही गाड़ियों को निम्बाज पुलिस द्वारा रोकने पर गाड़ियां नाकाबंदी तोड़कर भाग गई। नाकाबंदी तोड़ने पर बर पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर बर चौराहे पर भी नाकाबंदी की, मगर गाड़ियां उसे भी तोड़कर भागने में कामयाब हो गई। इस पर हाईवे थाना पुलिस ने भी नाकाबंदी कर बदमाशों को घेरने की कोशिश की, तो बदमाशों ने हेड कांस्टेबल पर फायरिंग की और भाग गए। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो बदमाशों ने जंगल में गाड़ी छोड़कर पैदल भागना शुरू कर दिया, मगर अंततः पुलिस के आगे बदमाशों को हाथ जोड़कर घुटने टेकने पड़े। पुलिस ने 3 तस्करों को अंततः गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू की है। भले ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने और ड्रॉप आउट समस्या को रोकने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निचले कर्मचारी ही इन योजनाओं का पलीता लगाने में लगे हुए हैं। दरअसल आदिवासी बाहुल्य इलाके पहाड़गढ़ में पिछले सत्र में छात्राओं को वितरित करने के लिए आई साइकिलें अभी तक धूल खा रही हैं। पहाड़गढ़ के एक्सीलेंस स्कूल में 1-2 नहीं बल्कि 60 साइकिलें एक कमरे में रखी हुई मिली हैं। निरीक्षण के लिए पहुंचे बीईओ ब्रजेश शर्मा ने इस संबंध में स्कूल में मौजूद लोगों से सवाल किया तो स्टाफ इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाया, जबकि प्राचार्य उपस्थित नहीं मिले। बीईओ ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन में एक छात्र ने शिकायत की थी, उस पर जानकारी ली गई तो पता चला कि साइकिल एक्सीलेंस स्कूल पहाड़गढ़ में रखी गई हैं। उन्हें साइकिल वितरित कर रजिस्टर अधीनस्थों से मांगा तो उन्होंने बताया कि वह पहाड़गढ़ एक्सीलेंस स्कूल के प्राचार्य आर के शर्मा के पास है, क्योंकि पहले उन पर ही बीईओ का चार्ज था। जिस कमरे में उसका ताला लगा था, पंचनामा बनवाने के साथ ही जब कमरे का ताला तोड़ा गया तो कमरे में धूल खा रही साइकिलें मौजूद थी। साइकिल कैसे बच गई इसकी जानकारी कोई भी दे नहीं पा रहा है। बीओ ने कहा कि इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चित्तौड़गढ़ की डॉक्टर पिंकी को ट्रस्टेड एक्सपर्ट इन हेल्थ केयर अवार्ड 2018 से नवाजा जाएगा। डॉक्टर पिंकी मेहता चित्तौड़गढ़ के प्रथम पहल हेल्थ केयर की कंसल्टेंट डायरेक्टर है, जिन्हें उनकी चिकित्सा संबंधी शोध कार्यों की उत्कृष्टता को देखते हुए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 28 जुलाई को दिल्ली के रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर, रशियन एम्बेसी नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा आयोजित मिलेनियम इम्पैक्ट अवार्ड में डॉक्टर पिंकी मेहता को पुरस्कृत किया जाएगा, जहां दिलेर मेहंदी चीफ गेस्ट और फिल्म स्टार डॉक्टर राकेश बेदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। डॉक्टर पिंकी भदेसर निवासी डॉक्टर सुशील मेहता की पत्नी है। ये उपलब्धि चर्चा का विषय है, वहीं चित्तौड़गढ़ में खुशी का माहौल है। गोवर्धन के विश्वविख्यात मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर गोवर्धन स्थित तीर्थ विकास ट्रस्ट में मेले की तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने आवारा पशुओं को परिक्रमा मार्ग से हटाने और श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान किसी भी गिरिराज के परिक्रमार्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अधिकारी पूरे परिक्रमा मार्ग में आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवाएं। इस मीटिंग में पहुंचे गणमान्य नागरिकों ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बैठक में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से डीग SDM शेर सिंह लोहारिया,
बी कोतवाल सत्य प्रकाश विश्नोई सहित पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। कि हमारे हाथों से वृक्ष लगाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे पूरा ब्रज में कई जगह में मैंने ये वृक्ष लगाया है, फिर भी लोग लगाएं ताकि ये ब्रज में जो पुराने ज़माने का जो ब्रज था, जो पूरा हम देखते हैं पूरा हर जगह हरियाली थी, ऐसा होना चाहिए। तो बबूल का पेड़ सब नहीं हो और अच्छा सा ये कमाल वृक्ष कदम के और कदम के सब बहुत लगना चाहिए, जो बहुत बड़े भी होते हैं एंड बहुत सालों तक रहता भी है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज़ कम एंड प्लांट डू द प्लांटेशन। गुरु पूर्णिमा मुड़िया पूनम के मेले की तैयारियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला प्रशासन के साथ आज राजस्थान के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई, उसमें किस प्रकार से इस मेले को इतनी भारी मात्रा में जो श्रद्धालु आते हैं उनके आवागमन को, उनकी परिक्रमा को, उनके ठहराव को और उनके यहाँ के अनुभव को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, बिना किसी अव्यवस्था के किस तरह से इसको पूरा किया जाए, इस पर चर्चा की गई। और मुख्य रूप से वाहनों की पार्किंग, साफ सफाई, ट्रैफिक की व्यवस्था, ये सभी के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई और संयुक्त एक रणनीति बनाई गई है जिससे कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छा अनुभव हो और वो अच्छा फील यहाँ से लेके जा सके। MJF सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रधानाध्यापक लक्ष्मण प्रसाद सैनी और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रवेश प्रारंभ LKG से 12वीं के लिए, LKG से 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम में। वाहन सुविधा उपलब्ध, डायरेक्टर मुकेश सिंह राजपूत, मोबाइल नंबर 9413594363। पुष्पांजलि सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आर्य समाज गली, 100 घर मोहल्ला, डीग, भरतपुर। सरिता सेकेंडरी स्कूल समस्त उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भरतपुर के डी का एकमात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र शालू सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10वीं का 100% परीक्षा परिणाम। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध, प्रवेश प्रारंभ, व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी, मोबाइल नंबर 9785505936। भरतपुर के डीग में एकमात्र शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान स्वामी रामस्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर, हर वर्ष 10वीं का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। अनुभवी और योग्य अध्यापकों द्वारा अध्यापन। विद्यालय परिवार की ओर से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। प्रधानाध्यापक मोतीलाल शर्मा, मोबाइल नंबर 9414715981। स्वामी राम स्वरूप माध्यमिक विद्या मंदिर, प्रवेश प्रारंभ, नगर रोड, डीग, भरतपुर। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल जड़ से मजबूत शिक्षा, डीग का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डीग का प्रथम वास्तविक अंग्रेजी माध्यम स्कूल। एडमिशन ओपन कक्षा नर्सरी से 8वीं तक। द राजस्थान ग्लोबल स्कूल, बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे, डी भरतपुर, मोबाइल नंबर 7734919196 9785979762। सिरोही जिले के आबू रोड राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय आबू रोड में जिला प्रमुख पायल परमपुरिया ने निरीक्षण किया। जिला प्रमुख ने स्कूली बालिकाओं से उनकी पढ़ाई संबंधित और स्कूल में मौजूद व्यवस्था की जानकारी ली।
जिला प्रमुख ने स्कूल के शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूल में जल्द ही शिक्षकों की कमी को पूरा करने की बात कही। इस दौरान जिला प्रमुख पायल ने कक्षा कक्ष में जाकर बालिकाओं को पढ़ाया और उनसे सवाल जवाब भी किए। जिला प्रमुख ने बालिकाओं को पढ़ाई के साथ साथ जिला प्रमुख के द्वारा चलाए गए पायल सखी कार्यक्रम की जानकारी दी, जिसमें आदिवासी बहुल की बालिकाओं को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। स्कूली बालिकाओं को जिला प्रमुख को अपने बीच पाकर खुशी महसूस हुई। इस दौरान स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहा। गांव में दो दो गौशालाएं होने के बावजूद भी आवारा पशुओं की भरमार है। आवारा पशुओं ने गांव में कई बार लोगों को घायल किया। एक तरफ तो देश भर में गायों के लिए कई प्रकार की बयानबाजी की जाती है कि गौ हमारी माता है सहित कई प्रकार के कार्य के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुमेरपुर उपखंड के नौवी गांव में पिछले एक माह में करीब 10 से 15 गायों की मौत हो चुकी है। प्लास्टिक की थैलियां खाने या बीमारी से गायों की मौत का यह सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव में दो दो रजिस्ट्रेशन की हुई गौशालाएं होने के बावजूद भी जब आवारा पशुओं की भरमार है, जब गायों की मौत के सिलसिले के बारे में संवाददाता ने पशु चिकित्सालय भारुंदा के प्रभारी डॉक्टर ममता सोनी से बात की तो उन्होंने बताया कि ज्यादातर गायें प्लास्टिक की थैलियां खाने से शरीर में इन्फेक्शन होने से मौत का शिकार होती हैं। गौशालाओं को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है, फिर भी गायों की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आखिर प्रशासन गौशाला की कब सुध लेगा, ये देखने वाली बात है। नहीं, हमारी गौशाला के अंदर तो कोई गाय मरी नहीं है, एक दो मरी होगी, बाकी हमारे पास रिकॉर्ड आप जांच सकते हो, हमारे रिकॉर्ड में एक भी गाय मरी नहीं है। कोई गाय आवारा पशु है तो आवारा पशु मरे होंगे, और दूसरी गौशाला है वहाँ भी कोई नई गौशाला किया तो वो तो कचरा खाई हुई डाली तो वो मरी गई होगी, जो प्लास्टिक खाई हुई है वो मरी होगी, बाकी हमारी गौशाला से कोई गाय मरी नहीं है। आवारा और जो आवारा पशु करके नई गौशाला की उसमें कोई हुई होगी तो हमारे को इसमें मालूम नहीं है। अगर हमारी गौशाला से बिल्कुल गाय नहीं, आप हमारे रिकॉर्ड जांच सकते हैं और कोई नहीं। अलवर जिले के नीमराना थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 8 पर होटल कैम्बे के सामने एक दुकानदार गोपाल दास की बाइक पर सवार बदमाशों ने हथियार के नोक पर 50,000 रुपयों की लूट कर ली और बैग जिनमें 50,000 रुपए भरे हुए थे वो लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद थाना अधिकारी पवन चौबे और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई। पुलिस ने पूछताछ में व्यापारी से यह पता लगाया कि दुकान में दिन भर की बिक्री के 50,000 रुपए बैग में लेकर वो दुकान से बाहर निकला था। व्यापारी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और उसकी कनपट्टी पर हथियार लगा दिया। उसके बाद बैग में रखे 50,000 लेकर वो फरार हो गए। सूचना के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अपन ने दुकान बढ़ाई। अच्छा, दुकान बढ़ा दिया अपने को, उन्होंने आगे रोक लिया, आधे मेरे पिस्टल लगा दी। कितने आदमी थे? 3-4 आदमी थे। तो बैग में कितने रुपए थे? अंदाजन 40,000 रुपये। लेके फरार हो गए? फरार हो गए, मेरे मारी पिस्टल। लोकल ही हैं? आदमी लोकल है, लोकल की आवाज़ है। तो लिया मुझे डाल रखा था उन्होंने, मोबाइल भी ले गए। हाँ, मोबाइल दे, पैसा दे, पूरे बैग में जो तो सामान था वो ले गए। इसके साथ ही फिलहाल मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।